All right, guys. Okay. That is. All right, guys. एक और दिन, एक और व्लॉग. पता नहीं दिख रहा है कि नहीं. आज आ गए हैं दिल्ली INA. और एक नई सीरीज होने वाली है दिल्ली एक्सप्लोरेशन के नाम से, जो मैं डालूंगा ऑलमोस्ट एक मंथ, मतलब चार व्लॉग्स आएंगे, चार या पांच देखो जितने आते हैं. और आज मैं आया हूँ दिल्ली हार्ट, तो आपको दिखाया जाएगा दिल्ली हार्ट में क्या है, क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए. ₹30 की एंट्रेंस टिकट है और देखते हैं अंदर जाके क्या मिलता है. तो गाइस ये है दिल्ली INA ऑन मंडे मॉर्निंग. खाली है बट बड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं, बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिल रही है. तो अगर आप ऐसा कुछ शॉप करना चाहते हो जो आपको लगता है कि आप आर्ट में इंटरेस्टेड हो, तो दिस इज़ द स्पॉट. फॉरेनर्स की टिकट ₹200 की है, हम लोगों की ₹30 की है, तो देख सकते हो. ये शॉप नंबर्स लिखे हैं ऊपर. और जनरली दुकान इस तरफ कपड़ों की है राइट साइड में, और क्राफ्ट की शॉप्स है इधर. ये कुछ खाने की भी दुकान है, मसालों की दुकानें हैं. बेसिकली अलग अलग स्टेट्स का मार्केट है, यहाँ से शॉप कर सकते हैं. बट मुझे ये नहीं पता कि कितना महंगा या कितना सस्ता है, तो बार्गेन करने में पता चलेगा. पश्मीना गर्मियों के और सर्दियों के कपड़े. तो गाइस ये मणिपुरी रेस्टोरेंट है, मणिपुरी केटरर्स दिल्ली हार्ट में. और मैंने सबका ऑर्डर करा है, और मैं पिछली बार ही कुछ सालों पहले खाया था और दोबारा खा रहा हूँ. बहुत मस्त है. ये हमारे वेज मोमोज कितने बड़े बड़े. तो गाइस खाना खाने के बाद अब जो है थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये फूड स्टॉल्स हैं, महाराष्ट्र का है, मिलेट, पंजाबी, नागालैंड, असम, तमिलनाडु पता नहीं दिख रहा है कि नहीं वो कूलर के पास. तो ये सब फूड स्टॉल्स हैं और प्राइजेस भी नॉर्मल है, क्योंकि खाना तो अफोर्डेबल है बट बहुत अच्छा बनाते हैं, तो हो सकता है किसी को थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, मतलब 100 से 200 रुपये के बीच में. बट ऑल इन ऑल बहुत अच्छा है और बहुत फन भी है. और अगर आप लोगों को ऐसी कल्चरल शॉपिंग करने में मज़ा आता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं. अगर ना अभी थुक्का खाया था वो भाई साहब, बस हो लिया, अब तो जाके सो जाओ, ऐसी हालत हो रही है इसमें. तो गाइस यहाँ पर कभी कभी स्टेज परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, आई थिंक वीकेंड्स पर ही होती होगी. बाकी ये क्राफ्ट्स की शॉप्स, आप ले सकते हैं सामान, बहुत ओवर प्राइस नहीं है. बाकी जब बात करेंगे शॉपकीपर से पता चलेगा. तो गाइस फाइनली बाहर आ गया हूँ दिल्ली हार्ट से, खा पी के थोड़ी सी शॉपिंग करके, और कुछ कपड़े खरीदे हैं मम्मी के लिए, तो मम्मी को दे दिए जाएंगे. खाना भी पैक करा लिया था. और ये बाहर है दिल्ली हार्ट के एम्स के पास ये DDA फ्लैट्स है. अगर आप लोगों को रास्ता नहीं मिलता तो ये पेट्रोल पंप है सामने, इसके बगल से एंट्री होती है, और सामने ये दिल्ली हार्ट का मेट्रो स्टेशन भी है. ये एरिया है हमारे दिल्ली का सरोजनी नगर, मतलब ये मार्केट नहीं है बट ये सरोजनी नगर में आता है. ऑलराइट गाइस, इस वीडियो का एंड यहीं होगा. मुझे पता है ये वीडियो बहुत छोटी थी, और उसका रीज़न ये है कि मैं अगले एक महीने तक व्लॉग्स का टाइम थोड़ा सा कम करूँगा, थोड़े छोटे व्लॉग्स बनाऊँगा, क्योंकि लास्ट के दो व्लॉग्स काफ़ी लंबे थे. इस बार जो दिल्ली हार्ट का व्लॉग था वो काफ़ी चिल व्लॉग था, मतलब उसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं करा मैंने, जस्ट अपनी माता जी के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी थी. उसके भी मैं प्राइजेस बता देता हूँ. एक सूट लिया था विच वॉज़ अराउंड 1500, तो 1500 से 1700 के बीच में आपको वहाँ ये सूट्स वगैरह मिल जाएंगे. शायद सिल्वर का सामान थोड़ा सा और महंगा मिले, क्योंकि ऑब्वियसली सिल्वर है. इसके अलावा खाने की क्वालिटी बहुत फाड़ है. अगर आप मणिपुरी केटरर्स नहीं गए हैं तो प्लीज़ वहाँ जाएँ,
वेज या नॉन वेज जो आपकी चॉइस हो आप वो वहाँ खाएँ। खाना उनका बहुत मस्त खाना है अगर आप एशियन फूड खाना चाहते हैं। इसके अलावा दिल्ली हाट उन लोगों के लिए है जो कल्चर जानना चाहते हैं या दूसरे कल्चर्स की शॉपिंग करना चाहते हैं, दूसरे कल्चर्स का खाना आप टेस्ट करना चाहते हैं एक ही जगह पर रहकर। तो छोटा सा है वो दिल्ली हाट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कितनी सारी चीज़ें वहाँ पर इकट्ठा है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और होपफुली वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी और कुछ ना कुछ दिल्ली से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि अगला एक मंथ मैंने ऐसा सोचा है कि दिल्ली एक्सप्लोरेशन के नाम से बनाई जाएगी एक प्लेलिस्ट, तो वो मैं डालूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मानता हूँ छोटी है बट थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीक कुछ और डालेंगे। तब तक के लिए टेक गुड केयर, और वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ ऑफ कोर्स। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऑलमोस्ट 400 सब्सक्राइबर्स पहुंचने वाला हूं, तो 400 भी कर दो भाई फटाफट। और मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं देखते हैं कुछ और एक्साइटिंग, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।